भाई सब लोग देखो पूरा यूनिकली चल रहे हैं भाई। लोगों को जीती से बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू न्यू फ्रेश वाला ब्लॉग। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ना हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश कर लेता हूँ, क्योंकि आज जो है ना इंडिपेंडेंस डे है। शायद ये वाला ब्लॉग आप कल देख रहे होंगे। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि ये वाला ब्लॉग को इंडिपेंडेंस डे के दिन में अपलोड करने के लिए। देखते हैं क्या होता है उसके बाद। बाकी का जो इंडिपेंडेंस राइड हो रहा है, हालांकि मेरे बाइक में कहीं पर भी आपको तिरंगा का नज़र नहीं आएगा। मैं लगाया नहीं हूँ गैरेज, क्योंकि मुझे कहाँ पर माउंट करूँगा पता नहीं। जो बाइकर्स लोग हैं ना बारीबदा का, वो सब आ रहे हैं। हम चलेंगे दुबलागढ़ी, एक छोटा सा राइड बनाएंगे एंड काफ़ी कुछ एंजॉय करेंगे। दिन बहुत मस्त है। तो गाइज बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया। तो चलो गाइज थोड़ा सा गाड़ी को खींचते हैं अभी। A few moments later. So, भाई लोग अभी देखो हम लोग आ चुके हैं बैसिंगा मार्केट के ऊपर। तो बहुत सारे बाइक्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो हम जाने वाले हैं दुबलागढ़ी। जो राइड है ना दुबलागढ़ी को है, दुबलागढ़ी ऑलरेडी मैं 3-4 बार कर चुका हूँ, तो ये होगा जो आज पांचवा या छोटा बार होगा। कोई बात नहीं, तो हम जाएंगे घूमेंगे, बहुत कुछ होगा। तो इंडिपेंडेंस डे है देखो भाई, इसके पीछे भी एक लगा हुआ है ट्राई कलर एंड इनके पीछे भी ट्राई कलर। बहुत सही बात है भाई, द बाइकर्स ऑफ मयूरभंज। तो गाइस अभी देखो पेट्रोल पूरा फुल है गाइस, फुल है गला। आगुरु कुछ पेट्रोल थिला। गया देखो पल्सर एनएस। खतरनाक। अभी फिलहाल हम यहाँ पे हैं और ये जो जगह है ना नोहरपटना है गाइस। आज बहुत ज्यादा बाइक्स निकले हुए हैं, तो राइड एक अच्छा खासा होगा मैं सोच रहा हूँ गाइस। और आप लोग एक बार लाइनअप देख लो, इसके बाद बताना कि कितना अच्छा लाइनअप है आज का। बाकी अभी अभी जो विनय भैया और जो पीछे थे ना विश्वजीत भैया, तो वो सब भी आ चुके हैं। उनके गाड़ी का थोड़ा सा पेट पंक्चर हो गया था, तो पंक्चर बना के आने में थोड़ा टाइम लगा। कोई बात नहीं गाइस, अभी सब कुछ सही हो चुका है एंड हम जाने वाले हैं बस। और अभी हम नोहरपटना पे हैं, तो यहाँ से और लगभग कितना 25 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा दुबलागढ़ी। तो दुबलागढ़ी बीच इतना ज़्यादा दूरी में नहीं है, तो बस गाइस जो बाकी सब बढ़िया चलेंगे। भाई
करके मार रहा है जो। भाई सब लोग देखो पूरा यूनिकली चल रहे हैं भाई। पूरा यूनिक लग रहा है भाई। अभी ये एक्चुअली गांव का रूट है, गांव का रोड है। तो गाइस आपको और बहन चो इतना वाइड वाला रास्ता नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा नेरो है। स्टिल गाइस जा सकते हैं, जाने लायक तो है, कीचड़ फीचर नहीं है भाई, कचर नहीं है। लोगों का रिएक्शन देखो बस। Few moments later. लोगों का रिएक्शन बहन के लौड़े। तो बीच में जाने का मजा भी कुछ और होगा। आज दिन है सानी 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 सानी, आज ब्लू है पानी पानी। भाई गलत कर रहा हूँ क्या? लिरिक्स थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है। भाई देखो एक लाइन में जा रहे हैं भाई, नैरो रूट है ना, तो यूनिक लग रहा है पूरा। बहुत ज्यादा हमसे यहाँ पे मिलेगा आपको। भाई बाकी अब बात कुछ ऐसा है कि ये दोनों ये चीज तो मैं खरीद के लाया, पर कैसे लूंगा भाई, बैग नहीं लाया हूँ। तो बीच तक जाने के लिए इसको यहाँ तक रख, यहाँ पे रख देते हैं। तो देखो भाई देसी जुगाड़, तो ये एक तो यहाँ पे रह जाएगा आराम से, और एक दूसरे वाले जो है ना इसको यहाँ पे रख लेते हैं अपने जैकेट पे। सेठी बहुत सारा गाड़ी छिड़ाई चाहिए, एठी भी किसी छिड़ाई चाहिए, एठी भी किसी छिड़ाई चाहिए। कूड़ा हो लो सूट, कूड़ा हो लो जी। ईटा ना सेटा ना सेटा ना सेटा ना सेटा पूरा कोटा मोजीटा बढ़िया। आगोटा पूरा भर लो, आगोटा पूरा भर लो, पूरा आगोटा धोआटा भर लो छोटा मोगाटा पर। तो इन छोटे बच्चों के साथ बातचीत हो रहा था। बेसिकली इन लोगों को पहले बार ना मेरे गाड़ी पसंद में नहीं आया, जब मैंने बताया कि वो वाइट वाला अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो वो लोग कह रहे हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है। सही है, फिर बहुत बढ़िया। हिंदी बूझी पा रहा, हिंदी बूझी पा रहा, बढ़िया। अभी हम दुबलागढ़ी जो बीच है ना उसके आसपास हो चुके हैं। एंड जो जीटी वाले भैया है ना भाई पूरा थ्रोटल दे के चल रहे हैं। वेलकम टू दुबलागढ़ी बीच यहाँ पे लिखा हुआ है। अब तो भाई बाइक स्लिप ही स्लिप करेगा, अब जो होगा ना टफ कंडीशन होगा गाड़ी भगाने के लिए। अभी मैं अपना थंडरबर्ड को मिस भी करूंगा। ये देखो गाइस हालत खराब होने वाला है अभी।
ओपे 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 गाइस। अरे 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 भाई साहब, अब जो होगा टॉप कंडीशंस एंड आई एम मिसिंग माय रॉयल एनफील्ड। भाई अपना रॉयल एनफील्ड को बहुत मिस कर रहा हूँ यहाँ पे गाइस। अपना रॉयल एनफील्ड को बहुत मिस कर रहा हूँ। एंड चो रॉयल बनी मिशन सक्सेसफुल। ओ माय फकिंग गुडनेस, क्या ही नजारा है भाई, वाह। चुके हैं दुबलागोड़ी बीच के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो लाइनअप पूरा लग चुका है, तो एक वन बाय वन में आपको लाइनअप दिखाता हूँ। बाकी गाइज बाकी सब बढ़िया एंड ऑसम फीलिंग्स हो रहा है अभी, क्योंकि गाइज इंडिपेंडेंस डे में ना इतना सारा बाइक निकलेगा मुझे पता नहीं था गाइज, काफी अच्छा लग रहा है ये सब देख के। तो गाइज स्टिल अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि लाइनअप कैसा है क्या कुछ, तो चलो गाइज वन बाय वन में आपको दिखाता रहता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद द आर 15 एम, देन हियर इज द आर 200, द KTM बेनेली 600i, गो विद द KTM अगेन NS R15M, R15M GT 650, KTM 125, NS 200, और एक KTM यहाँ पे है क्लासिक 350, MT 15, एंड यहाँ पे और एक MT 15। तो बेसिकली क्या मैं सोचा नहीं था कि आज के दिन में ना इतने सारे बाइक्स निकलेंगे, फिर इतने दूरी के भी। तो गाइज जितना टफ था ना गाड़ी लाना उतना ही शांति मिला है अभी यहाँ पे आके, काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइज, एक बढ़िया सा फीलिंग्स हो रही है मुझे। जो भी कहो भाई, R15 सेक्सी लग रहा है भाई बाइक। तो फिलहाल गाइस हम लोग का वीडियोग्राफी जो था वो ख़त्म हो चुका है, मतलब जो सिनेमैटिक थोड़ा बहुत हम लोगों ने रिकॉर्ड किए थे आप लोगों ने शायद देखे होंगे ये वाले वीडियो में, तो कैसा लगा वो जरूर बताना मुझे। बाकी गाड़ी का हालत ना पूरा बिगड़ चुका है भाई, वीडियो बनाने के चक्कर में गाड़ी का हालत ये देखो गाइस, सब जगह बालू। A few moments later. So guys, राइड के बाद में अभी हम आके यहाँ पे पहुँचे हैं होटल मैनेजर सिंह फूड एक्सप्रेस पे। तो गाड़ी का हालत बहुत ही ख़राब हो चुका है गाइस, आप देख सकते हो धूल मेला कीचड़ सब कुछ जम चुका है गाड़ी में, बस आज जाके ना इसको वॉशिंग पे देना पड़ेगा फिर से। सही है, फिर कोई बात नहीं। बाकी अभी हम यहाँ पे खाने का ऑर्डर देंगे और पिज़्ज़ा खा के घर निकलेंगे। बाकी अगर ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना ब्लॉग को, और गाइस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। फिर से कहता हूँ गाइस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलो गाइस बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया, तो ब्लॉग पे ही पेंट करते हैं, मिलते हैं कोई और एक दिन वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए वेरी गुड बाय।